गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज ना ब्लॉग की शुरुआत यहाँ से कर रही हूँ। हम लोग अभी अभी सो करके उठे हैं और मैंने यहाँ नीचे आम डाले हुए थे, मतलब बाहर से उठाए थे, कल जो अचार के लिए हमने काटे थे, तो उनको देखने भी उठा करके बाहर ले जाती हूँ। धूप लग गई है यहाँ पे, बहुत जल्दी धूप लग जाती है और फिर हमें उठते उठते लेट, क्योंकि जब से बच्चों के ना ये ऑनलाइन क्लासेस लग रहे हैं, मतलब स्कूल नहीं जाते, तब से लेट 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 ही होता है प्रोग्राम। और इनको देखो, वो देखो पहले ही बोल देते हैं कि हमारी ऑनलाइन क्लास लगनी है, फोन दे दो। और फोन फोन देखो, फोन का फिर कैसे मिस यूज किया जाता है, ये देखो आजकल के बच्चों को ना बड़ी भारी मतलब मजे हो रखे हैं। हाँ भाई शान मिठू, क्लास लगने से पहले ही फोन पे क्या कर रहे हो? गेम खेल रहे हैं। गेम खेल रहे हैं आजकल ना। गेम खेलने में सा दुनिया के सारे बच्चे इतने एक्सपर्ट हो रखे हैं ना कि भाई मैं क्या ही बताऊँ, मेरे को तो पता भी नहीं चलता। और ये ऐसे ट्रू 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 ऐसे चलते हैं, इनके फोन पे हाथ ना ऐसे 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 ऐसे, मतलब फटाफट से नेट की, जब ना नेट की स्पीड भी स्लो हो जाती है ना, तो क्या करते हैं फटाफट से उसका क्या करती है शानू, चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं मुझे तो पता नहीं अभी तक, सीरियसली। मतलब मैं इनके पापा के फोन में ना दो सिमें होती हैं, तो एक में जैसे नेट एयरटेल का कई बार यहाँ पे बहुत कम चलता है या फिर जियो का कम चलता है, तो ये फटाफट से चेंज करके अभी स्पीड स्लो हो गई फटाफट, और मेरे को अभी भी पता नहीं चलता। तो ऐसे ऐसे है ये, मैं अपनी बिंदी लगा लूँ, मैंने ना यहाँ पे लगा के रखी होती है चिपका करके ना, रात को बिंदिया फिर उठा करके वही लगा देती हूँ, ये गलती से मेरे पास ब्लू कलर की ही आ गई। तो चलिए अभी चलते हैं, फिर करते हैं किचन का काम वाम, और नहाने के लिए गीजर कर देती हूँ ऑन। हम लोग ना अभी भी गर्म पानी से ही नहाते हैं, सर्दियों हो चाहे गर्मियाँ, गर्मियों में हल्का कम कम गर्म पानी से, और सर्दियों में तो आपको पता है यहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है, तो तेज़ गर्म से नहाते हैं। मैं बच्चों को नहीं नहलाती ठंडे पानी से, मतलब थोड़ा सा ऐसा रहता है ना भी आजकल, तो वैसे भी कोरोना की वजह से कि कहीं सर्दी जुकाम कुछ हो जाए, तो फिर गर्म से ही नहाते हैं हम लोग। थोड़ा सा मौसम का व्यू भी आपको दिखा देते हैं, ये देखो अभी ना देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे पता नहीं भाई कितने कर खड़ी दोपहर ही है। और ना ये आज पति देव हमारे से पहले उठ गए थे, उन्होंने ही डाले हैं ये यहाँ पे, ये देखो सूखने के लिए आम डाल दिए, तो लगभग 7 बजे का आसपास का टाइम है और इतनी खड़ी दोपहर ही लग रही है कि भाई क्या ही बताना आपको। और ना गर्मी भी उसी हिसाब से बहुत तेज़ लग रही है। फिर से पहुँच गई इधर ही, मेरे बाल नहीं बांधे थे ना, और आप देख रहे होंगे कि मेरे फेस पे देखो क्या लगा हुआ है, यहाँ 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 बिल्कुल ये सख्त हो रखा है किनारे किनारे से, और थोड़ी थोड़ी सी ये पता नहीं दिख नहीं रहा अभी, ये देखो ये ना मैंने कल फेशियल किया था, और जो फिर मैंने लास्ट में पैक लगाया था ना इसका क्या बोलते बेसन डाल के, तो वो फिर थोड़ा थोड़ा सा रह गया था, और बाद में जो मैंने क्रीम बनाई थी ना मसाज क्रीम, तो सोती बार मैंने फिर से वो अपने फेस पे लगाई थी, तो उसकी वजह से फिर ये ऐसा लग रहा है। हल्दी थी ना उसमें तो पीला पीला सा, पीला सा तो नहीं लग रहा ना फेस, तो नहीं लग रहा पीला फेस, पर थोड़ा थोड़ा सा मतलब वो चीज़ें रह गई थी, अभी नहाऊंगी ना तभी फिर ये अच्छे से जाएंगी। और सच में इतना इफेक्टिव है ना ये फेशियल, मतलब एक बार तो जरूर करना चाहिए, हफ्ते में कीजिए अगर ज़्यादा टाइम नहीं है तो, महीने में एक बार कीजिए। लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट मतलब नोज़ ना एकदम स्मूथ लग रही है, जैसे अभी शादी में गए थे ना, चाहे जैसे आप थोड़ा सा ही मेकअप क्यों ना करें लेकिन फिर भी ऐसा लगता है ना, मेरे को तो ऐसा लगता है स्पेशली, पता नहीं स्किन पे पता नहीं क्या जैसे हो गया अभी, तो फिर मैं आते ही सबसे पहले फेशियल और उस तरीके से कुछ ना कुछ मतलब स्क्रबिंग तो ज़रूरी करती हूँ, तो इससे फिर एकदम स्मूथ रहती है नोज़ भी, और मेरे को यहाँ पे बहुत होते हैं वाइटेड बहुत होते हैं, तो फिर उस केस के लिए मतलब ये जुगाड़ फिर करना ही पड़ता है। तो अभी पहुँच गई मैं किचन में, और सबसे पहले तो भाई मीठे शादी पी कर दूध प्रिपेयर कर लेती हूँ। आजकल ना हमने गर्मियों के मौसम में 1 किलो कर दिया होता है दूध, ऐसे 1.5 किलो आता था पहले, 2 किलो आता था, फिर 2 से हमने 1.5 कर दिया, और 1.5 से अभी 1 कर दिया हुआ, क्योंकि गर्मियों में ना बच्चे दूध नहीं पीते ज्यादा इस वजह से। और आज ना हम लोग रात को बहुत ज्यादा लेट सोए थे, लगभग 12 बजे से भी ऊपर का ही टाइम हो गया था। अभी देखो मेरी आंखें आपको सूजी सूजी सी लग रही होगी, बहुत सूजी सूजी सी, तो इसलिए ना फिर मेरे से सुबह उठा नहीं गया और मुझसे पहले ये उठ गए थे आज, तो बस मैं ताज़ा ताज़ा इसको बॉटल को धो देती हूँ। मैं इसको पता कैसे धोती हूँ इसके अंदर पोचा डाल के ना फिर लकड़ी से अच्छी तरह से घुमा घुमा करके, क्योंकि भाई बॉटल साफ करना बहुत ज़रूरी होता है, और फिर अजीब जैसा लगता है गर्मियों में तो बदबू जैसी पड़ जाती है, फिर इसको अभी फ्रिज में रख दे। इतना टेस्टी तभी है, तू ऐसी पतली जैसी ना
स्वाद नहीं होता अच्छी चीजों में तुझे। हाँ मिट्टू को तो खुशबू इतनी अच्छी लगती है कि आ हा हा हा, ये तो ऐसे ही टुकड़ा लेकर के खा जाता है घी का, है ना मिट्टू? खुशबूदार लगता है तुझे मम्मा का घी? अच्छा लगता है बहुत, मुझे चक्का अच्छा लगता है। रोल बना दो उसका जी। अरे ये जनाब भी आ गए, कहाँ गए थे भैया आप? मैं गया था बाल कटाने के लिए। सुबह लगा के नंबर लगा के आ गया आप तो? नंबर नंबर सब लगा के आ गया हूँ मैं, और अभी तो वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है। मिट्टू को ले जाऊँगा पर वहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई है, और पता क्या बड़े बड़े बाल गर्मी लगती है यार, आज तो पसीना पड़ता है ना, गर्मी हो गई है आज भी, ये देख सकते हैं मौसम काफ़ी गर्म है और गर्मी वाला, और ये मेरा अचार सूख रहा है यहाँ पे। हाँ 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 वो तो हमने दिखाया कि आपने अचार जो है मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले यही काम किया होगा। सबसे पहले मैंने पानी आया था कम, फिर मैंने टंकी ऊपर यहाँ व्हील चेंज करना है, ये पानी से बोला करो ना, हमारे व्हील बंद करने के बाद भी ना पानी आता, मैं चेंज करने वाला हूँ, मैं याद ही नहीं, हफ्ता हो गया इसको चेंज। अंदर नहीं है व्हील, अरे ध्यान नहीं रहा, अभी जाऊंगा लेने के लिए, फिर चेंज कराऊंगा। देखो जो अपने खिलौने, देखो बैट बॉल खेला रात को, और वो देखो वहाँ पे फेंके हुए हैं। देखो शानू मिट्टू बिकते कहाँ है आपकी? रेते में। क्या कर रही है? तेरा पता ही नहीं था जितेंद्र भी आया, पीएनबी ले तब बनाए ने कोई फायदा ही नहीं हुआ था, कोई भी जितेंद्र ऑप्शन नहीं है। एक दिन जैसे से लगी ना रनिंग मशीन ना, मैंने देखा है सिर भी हाँ, को कोई फायदा ही नहीं है तेरा, तो मैंने से लिया ना लिया बराबर ही होया थी। आईसीआईसी वाला जितेंद्र बेनिफिट है ना? नहीं कहा जाना, कहा जाना, कहा इधर इधर, और ये अपने वो क्यों नहीं उठाए तुम लोगों ने, रेत पे फेंक के हुए हैं? लखने के लिए इतना बड़ा घर नहीं है जो तुमने वहाँ लख दिए, मिलते नहीं है ना। चलो तो चलो, तो नहा धो करके आ गई हूँ मैं, और मैं कौन सी क्रीम लगाती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। मैं लगाती हूँ पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी, आजकल ना स्किन बहुत ऑयली ऑयली रहती है तो ये मुझे अच्छी लगती है, ये मतलब ऑयली ऑयली फील नहीं कराती। पहले मैं फेयर एंड लवली लगाती थी, फिर पतिदेव से सीखा था मैंने ये लगाना। तो मैं हो गई जी रेडी, आज है मंडे, और मिट्टू सानू बताएंगे, दिखाई नहीं दे रहे तुम लोग अच्छे से। आज है सोमवार, आज मम्मा बनाने वाली है प्रसाद। अच्छा, और मम्मा का है व्रत, ये मुझसे ज्यादा खुश होते हैं सोमवार के दिन क्योंकि प्रसाद मिलता है इनके फेवरेट वाला। चलो भैया शानू पहले बाल सुखा लेना ना, उसके बाद करती हूँ फिर तेरे को कंघी, है ना? वैसे ही चोटू बनाऊंगी दो तो। हाँ हाँ छोटी भाई, ये क्या हो रहा है? इसके बाद कंघी मैंने अभी नहीं की थी, और मैं ये अप्लाई कर रही हूँ बालों में सीरम। सीरम अप्लाई करने से ना बाल एकदम से सुलझ जाते हैं, बहुत ज़्यादा उलझते नहीं है, और जब बाल उलझते कम हैं तो झड़ते भी कम हैं, और आजकल बरसात के टाइम में ना झड़ने की समस्या बहुत हो जाती है। तो ये देखिए जी, एक भी बाल नहीं, एक बाल मेरा झड़ा है, सिर्फ और सिर्फ एक बाल मेरा झड़ा है। और अगर आप अच्छे से बालों की केयर करते हो ना, जैसे मैं प्रॉपरली रेमेडीज़ भी लगाती रहती हूँ, फिर उसके बाद नहाती बार कंडीशनर, फिर अभी सीरम। सीरम आप पूछ रहे थे ना, तो मैं कौन सा यूज़ करती हूँ, ये आर्गन ऑयल सीरम है, और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है ना, और ये जो पैक है ना लगभग पता नहीं एक साल से पड़ा हुआ है मेरे पास, अभी तक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बस आपको खाली एक ड्रॉप लेनी होती है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस एक ड्रॉप। अगर ज़्यादा आप ले लेते हो ना फिर बाल चिपचिप हो जाते हैं, जिसके ऑयल की वजह से होते हैं, तो एक ड्रॉप आपकी काफ़ी रहती है और एकदम से स्मूथ जाते हैं बाल, बिल्कुल भी नहीं झड़ते। तो ऐसा ऐसा है, मतलब अच्छे से केयर करनी पड़ती है तभी यार बाल मतलब अच्छे रहते हैं। और मेरी जो ये स्ट्रेटनिंग है ना, मतलब 2 साल होने को आए लेकिन अभी भी ख़राब नहीं हुई, और बालों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हुई। बहुत बार आप मुझसे पूछते हो कि क्या आप लोग भी बिजनेस कर रहे हो, तो हाँ अभी हमारा प्लान तो है ऐसा कुछ, लेकिन एक तो लॉकडाउन की वजह से, ऊपर से मतलब कोरोना का जो है लॉकडाउन, तो खैर अभी वो भी हट भी गया है इधर से,
उतना नहीं रह गया है सारा, बस सैटरडे संडे ऑफ रहता है और बाकी टाइम लिमिट भी है 8 बजे तक की शॉप्स खुली रहती हैं। चलो ये तो मतलब है, बट ये है कि भाई कोई भी स्टेप आपको लेना होता है ना तो उसके लिए सारी सिचुएशंस देखनी पड़ती हैं। अब ऐसा नहीं है कि आज मैं अगर किसी चीज़ के बारे में बोल रही हूँ, देख रही हूँ, जांच परख रही हूँ तो मैं कल ही उसको इम्प्लीमेंट करने लग जाऊँगी, तो थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है। बाकी देखते हैं अभी क्या बनता है क्या नहीं बनता है, क्योंकि हम भी मतलब देख रहे हैं, बाकी ये लोग रेगुलरली हमें वीडियोज़ देते हैं तो उसी हिसाब से भी फिर नॉलेज कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही यार पैसा कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और उसको गंवाना बहुत ईजी होता है, 2 मिनट नहीं लगते आपके, मतलब यूं वो रेत की तरह फिसल जाता है। तो इस तरह से मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हम देखेंगे अभी आगे, कि आप ब्लॉग्स तो देखते ही हो रेगुलर, तो अगर ऐसा कुछ होता भी है तो हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। और एक और चीज़, आप बहुत बार क्वेश्चन पूछते रहते हो हस्बैंड के लिए, तो मैंने आपको बताया तो था कि हाँ उनकी जॉब लग चुकी है शायद, जब मतलब लगी थी तो उस दिन भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। और उनका ये है कि ऑनलाइन उनको काम करना होता है, तो आप मतलब बहुत बार बोलते हो कि वो घर पे दिखते हैं, तो दिखेंगे ही ना घर पे क्योंकि ऑनलाइन काम कर रहे हैं और मोस्टली वो अपना काम रात को करते हैं, तभी तो आपने देखा होगा मेरे वीडियोस में सुबह मैं काम कर रही होती हूँ वो सोए ही हैं। तो अब ऑब्वियसली बात है कि अगर रात भर किसी बंदे ने काम किया है तो वो फिर सोएगा ही, और अपना अपना हिसाब होता है वो किस तरीके से उनका काम है। मैं भी ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती, और पहले भी मतलब उनका ऐसे ही चलता था, वो R&D डिपार्टमेंट में है मतलब बेसिकली, तो उनका वहाँ पर भी ज़्यादातर कंप्यूटर पे ही रहता था। जब हमारा रिश्ता हुआ था ना उस वक्त भी बहुत मेरे साथ मतलब दिन में, क्योंकि वही ना अपना काम, वो इनका ये है ना कि चालाकी से अपना काम फटक, जब भी इनको टाइम लगता है ना फटाफट से कर लेते हैं, मोस्टली रात के टाइम पे इनको ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब शोर शराबा नहीं होता क्योंकि हमारे घर में बच्चे भी हैं तो आराम से तसल्ली से बैठ के करते हैं। तो फिर और दिन में फिर वही बात है कि अपनी नींद कर लेते हैं ना सुबह सुबह पूरी, फिर पूरा दिन भर हमारे साथ ही होती है, और भाई इतनी छोटी सी ही तो हमारी फैमिली है, तो हम मतलब एक दूसरे के साथ घुल मिल के रहते हैं, गपशप करते रहते हैं, और काम भी क्या बस यही होता है खाना बनाना, घर का कामकाज जो आपको पता ही है। तो बस फिर उसी के दौरान क्योंकि मैं बिजी रहती हूँ पूरा दिन भर, दिन में आपको पता है लेडीज़ को पल भर की फुर्सत नहीं मिलती, तो बस मेरे साथ काम करते करते फिर थोड़ा सा मतलब हाथ भी बंटाते रहते हैं और हम लोग फिर आपस में बातचीत भी करते रहते हैं। तो यही होता है छोटी फैमिली का कि हाँ और किससे बात करनी, तो मैं ही हूँ, मेरे साथ ही बातचीत होती रहती है, ये है। फिर बहुत बार आप पूछते रहते हो, फिर मुझे भी बहुत चीज़ें हर्ट करती हैं, तो मैंने सोचा एक बार क्लियर कर देना चाहिए तो अच्छा रहेगा। मतलब फिर बस अभी कोरोना के बाद भी देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं बनता है, और वही बात है ना कि भाई आदमी की ख्वाहिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उस तरह से मतलब जो भी है, क्योंकि आगे को बच्चे भी हैं उनका फ्यूचर भी देखना है, तो हर एक चीज़ को मैनेज करना पड़ता है। और बस इतनी सी बात मुझे आपसे करनी थी, और बस फिर इसी के साथ ही फिर वीडियो की भी मैं यहीं पे एंडिंग कर रही हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार, थैंक यू। और हाँ अपना सपोर्ट बनाए रखिए भाई, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो शायद बहुत धीमी गति से सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं मैं डेली देखती हूँ कि नहीं इंक्रीज़ ही नहीं हो रहे, थोड़े थोड़े से होते हैं। तो ये है कि अब देखिए ना अपने काम की बात होती है, काम की इन द सेंस कि हर बंदा अपना जो भी उसका प्रोफेशन है, जो भी उसका काम है, वो चाहता है कि उसमें वो आगे बढ़े, है ना, ये एक जेन्युइन सा फैक्ट है, मतलब ह्यूमन नेचर है। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि हमारी भी फैमिली बढ़े और आगे को हम लोग ग्रो करें। तो भाई ये चैनल को शेयर भी किया कीजिए, क्योंकि आप तो सब देखते ही हो, तो आपसे छुपाने वाले की तो कोई बात है ही नहीं, यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है ही ऐसा, मतलब सब कुछ ओपन होता है, तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए भाई मैं भी आपकी फैमिली का ही मेंबर बन चुकी हूँ अब, तो बस फिर बहुत हो गई बातें भाई, बातचीत में जब करने लगती हूँ ना तो वो देखिए लगभग 4 मिनट का वीडियो बन गया। चलिए फिर आज के ब्लॉग की करेंगे एंडिंग यहीं पे, नमस्कार, थैंक यू।